हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में 2021 की जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उन्हें यहां पर डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना की बात करें तो इसे हम पहले मिड डे मील योजना के नाम से भी जानते थे और यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को निःशुल्क भोजन खिलाना इसका मोटिव है। इसके साथ साथ पीएम पोषण योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1995 में हुई और इसे लागू करने वाला पहला स्टेट तमिलनाडु है। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर की बात करें तो वन स्टॉप सेंटर स्कीम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक योजना है जिसके तहत हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना इसका मोटिव है। इसके साथ साथ डीप ओशन मिशन की बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक योजना है जिसके तहत गहरे समुद्र का पता लगाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा सार्थक योजना की बात करें तो सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति को लागू करवाना है। इसके साथ साथ युवा पीएम योजना की बात करें तो यह भी शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है जिसके तहत युवा लेखकों को सलाह देना युवा पीएम योजना का उद्देश्य है। युवा की बात करें तो यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स इसका पूरा नाम है। इसके अलावा उज्ज्वला सेकंड की बात करें तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा में की गई। इसके साथ साथ यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत सिलेंडर के साथ चूल्हा फ्री मिलेगा इसका उद्देश्य है। और उज्ज्वला प्रथम की बात करें तो उज्ज्वला प्रथम योजना 2016 में लॉन्च की गई थी। इसके अलावा अमृत 2.0 की बात करें तो केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य शहरों में नल कनेक्शन से पानी की आपूर्ति करना इसका मोटिव है। इसके अलावा डीजी सक्षम की बात करें तो डीजी सक्षम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक योजना है जिसके तहत युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देना और रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि का निर्माण करना स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है। इसके अलावा गति शक्ति योजना की बात करें तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजना है जिसके तहत औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचों का विकास करना और युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना गति शक्ति योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष 3.0 की बात करें तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है जिसके तहत बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण करवाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 02 फॉर इंडिया की बात करें तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है जिसके तहत अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाना प्रोजेक्ट 02 फॉर इंडिया का उद्देश्य है। इसके अलावा आहार क्रांति मिशन की बात करें तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है जिसके तहत लोगों को पोषक संतुलित आहार की जरूरत और फल एवं सब्जियों की सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो आहार उत्तम विचार इसका आदर्श वाक्य है। इसके अलावा E100 परियोजना की बात करें तो यह केंद्र सरकार की योजना है इसके तहत भारत में एथेनॉल उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना E100 परियोजना का मोटिव है। इसके अलावा सेल्स प्रोजेक्ट की बात करें तो यह सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय की एक योजना है इसके तहत बुजुर्गों की देखभाल के लिए उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सेज की बात करें तो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा किसान सार्थक योजना की बात करें तो यह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक योजना है जिसके तहत किसानों को फसल संबंधी जानकारी पहुंचाना किसान सार्थक योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की बात करें तो यह नीति आयोग का प्रोग्राम है जिसके तहत स्कूली छात्रों को 3D तकनीकी में स्टार्टअप तैयार करवाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा घर घर राशन कार्यक्रम की बात करें तो यह IDFC फास्ट बैंक का कार्यक्रम है जिसके तहत COVID-19 के दौरान जान गंवा चुके कर्मचारियों के परिवारों को राशन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा
स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की बात करें तो यह HDFC बैंक की एक योजना है। इसके तहत महिला उद्यमियों को सलाह देना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा नीति 2.0 योजना की बात करें तो यह योजना हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा जारी की गई। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल सुविधा सेवा प्रदान करना नीति 2.0 योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा समृद्ध कार्यक्रम की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक योजना है, जिसके तहत भारतीय स्टार्टअप को उत्पाद और व्यवसाय को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की बात करें तो यह केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसके तहत COVID-19 के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 10 लाख का कोष तैयार करना PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा ग्राम उजाला योजना की बात करें तो यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते में LED बल्ब प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा मित्रा योजना की बात करें तो केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना इसका मोटिव है। इसके अलावा आत्मनिर्भर महिला योजना की बात करें तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा की एक योजना है, जिसके तहत महिलाओं को 0.5% की छूट पर ऋण उपलब्ध कराना और गोल्ड लोन पर 0.25% छूट दिलाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है, जिसके तहत वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देना CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का मोटिव है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।